हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ आवर मार्क बूस्टर सीरीज। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 5 क्वेश्चंस। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से, देखिए मैंने लास्ट टाइम जो है 5 क्वेश्चंस कराए थे, इस वीडियो में भी मैं 5 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। बट इन फ्यूचर अगर आप लोगों को समझ ना आया और आपको दोबारा से ये वीडियोज़ देखनी पड़ी, थस फॉर द मार्किंग आई थिंक आप लोगों को इसे इस तरीके से मार्क करना चाहिए क्वेश्चंस को। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बट आप इसे 2.1 की तरह मेंशन करिए। इट मीन्स फर्स्ट सीरीज के जो 5 क्वेश्चंस किए उसे आप 1.1, 1.2, 1.3 इन दिस वे आप उसे लिख सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी आपको दोबारा देखना पड़े तो आप आ सकते हो, स्पेशली वो वीडियो निकाल कर देख सकते हो, आपको पता चलना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो डाइपोल से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक होने के चांसेस बच्चों से बहुत होते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको दो आइडेंटिकल डायपोल दे रखे हैं, ए बी और सी डी, जिनकी डायपोल मूवमेंट पी है, मतलब दोनों की डायपोल मूवमेंट सेम है। इन दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल है, आपको इनका रिजल्टेंट डायपोल बताना है, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट बताना है। देखिए उसके बाद आपको, ये तो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, और आपको बोला गया है कि इस डाइपोल का फिर टॉर्क कितना लग रहा होगा, इसमें ओवरऑल टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को, अब करना शुरू करते हैं। देखिए पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने वाई एक्सिस के ऊपर एक डाइपोल को प्लेस कर दिया जिसका माइनस इस तरफ है प्लस उस तरफ है। ठीक है, मैंने एक दूसरा डाइपोल बनाया 120 डिग्री पे, लगभग 90 डिग्री का एक्स एक्सिस और 30 डिग्री इधर, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। अब यहाँ आता है पहला पॉइंट जो बच्चे सिली मिस्टेक कर सकते हैं। वो बच्चे सोच सकते हैं कि भैया इधर 120 क्यों, ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया आपने, ये था 60 डिग्री पड़ता ना। तो ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल कैसे लिया गया है, इधर भी प्लस क्यू है उधर भी प्लस क्यू है, तो सेम सेम के बीच का एंगल लीजिए ना, इधर भी माइनस क्यू के बीच का एंगल लोगे तो आपको 120 ही मिलेगा। समझ आ गया सबको, सेम डायपोल्स के बीच का एंगल लीजिए, सेम वाले पार्ट के बीच का। चलिए 120 डिग्री समझ आया कि ये 60 क्यों नहीं लेने वाले। चल आगे बढ़ते हैं, नेट डायपोल मूवमेंट निकालते हैं। अब नेट डायपोल मूवमेंट निकालना बहुत ईजी है। एक चीज़ जो आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूँ, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब ए बी को इधर देखिए मैंने इस तरफ शो किया है और सी डी को इस तरफ, ठीक है ना। इनका नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना है, बीच में बनेगा, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है ना, ये देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पैरेललोग्राम लॉ इसके क्वेश्चंस में हमने बहुत यूज़ कर लिया। ठीक है, p1 जो है उसका भी पी स्क्वायर ही है, सेकेंड का भी p ही है, देखिए सेम सेम है दोनों का, इसलिए 2p इंटू पी cos 120, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। 120 की वैल्यू होती है -1/2, पुट कर दी मैंने, इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस का साइन आ गया, 2p स्क्वायर में से 1p स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर, और अंडर रूट पी से आपका जो नेट पी निकल के आया वो भी पी ही निकल के आया। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप लोगों का आंसर यही आएगा, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले हमें देखिए क्या चीज़ दे रखी है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस पे, ओके, मीन्स कंप्लीट एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, जो नेट डाइपोल मूवमेंट निकली है इसकी क्या डायरेक्शन होगी, तो ऊपर वाले ग्राफ को जरा यहाँ से देख के पहचानो, अगर ये वाई एक्सिस पे है तो वाई के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, बीच में बनता है दोनों के, इसका मतलब एक्स के साथ कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, इफ दिस इज 60 डिग्री तो ये आपका 30 डिग्री होने वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। समझ आ गया सभी लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस से डाइपोल मोमेंट 30 डिग्री पे। इतना पार्ट क्लियर हुआ, तो अब एक बार फॉर्मूला याद रखिए टॉर्क का, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला नहीं याद हो या इस फॉर्मूले की डेरिवेशन ना याद हो, वो प्लीज़ जाके एक बार वीडियो चेक जरूर करें लेक्चर सीरीज में इसकी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पी ई साइन थीटा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है पी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आई है वो आपको ई ही दे रखा है, तो आपको यहाँ कोई मैग्नीट्यूड नहीं पुट करना, साइन थीटा साइन 30 आपने वैल्यू डाली, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए हाफ पी ई। चलिए ये चीज़ तो निकल गई,
डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड निकालना आसान था, लेकिन डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। ये अलॉन्ग जेड एक्सिस क्यों हुआ? तो बहुत सिंपल बात है यार, आपके दोनों के दोनों डायपोल्स एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जब ये रोटेट करेंगे तो अपने परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट करेंगे, और एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है? जेड। ओके, तो टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होने वाला है? जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। जिसे क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो प्लीज़ एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करें और इसे अच्छे से देख के नोट करें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो क्लियर हो, ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बेसिकली हम लोगों ने पहले किसमें किया है? गॉस लॉ के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देखते हैं, ठीक है? अगर वो वाला पार्ट किसी को नहीं पता तो पहले वो एक बार पढ़ ले। इसके मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं लेक्चर सीरीज में भी, ठीक है? और अपनी मार्क बुक्स में भी शायद एक क्वेश्चन करा दिया था फर्स्ट पार्ट में। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब आपको अपने प्री बोर्ड वगैरह में ये क्वेश्चन एक ना एक बार ज़रूर दिखेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि आपके पास एक हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उस सिलेंडर के दोनों तरफ के जो सर्कल्स होते हैं उनका एरिया बताया जा रहा है आपको, ठीक है? ये चीज़। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो है वो 50xI0 है। अब यहाँ पे x का क्या यूज़ है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। अभी के लिए आप I0 देख के ये बता सकते हो कि इसकी डायरेक्शन जो है वो x एक्सिस की तरफ है, ठीक है? चलिए आपको फाइंड क्या करना है? फ्लक्स फाइंड करना है और टोटल चार्ज कितना है सिलेंडर के अंदर। ओके, समझ आया? क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कैसे जाएगा? सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E into A। देखिए डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कॉस थीटा आएगा इनके बीच में, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 50xI0 न्यूटन पर कूलम्ब अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए मैंने बता दिया I0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस है। उसके अलावा एरिया कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलिए अब अगर ये मेरी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट भी की है, इस जगह पे आप देख सकते हो, ठीक है? तो ज़रा ध्यान से सोचो, किसी भी सिलेंडर के तीन सरफेस होते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार बना के दिखा रहा हूँ। एक ये सरफेस, एक ये वाला वेक्टर जो उसका कर्व सरफेस एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होता है। एरिया वेक्टर जिसे ना पता हो वो प्लीज़ एक बार जाके एरिया वेक्टर चेक करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने एरिया वेक्टर समझाया है कि उस चीज़ का फेस किस तरफ है, मुंह किस तरफ है उस चीज़ का। और इस वाले का इस तरफ है फेस, मतलब आपका अगर ये मैं सिलेंडर ले लूँ तो इस वाले पॉइंट का फेस इस तरफ, इसका उस तरफ, जबकि इसका ऊपर की तरफ। चलिए तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे है ना, एक्स एक्सिस पे, ठीक है? तो तीनों फेसिस के लिए मैं मान के चलूँ, अगर इसको मैं फेस नंबर 1 नाम देता हूँ, ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला फेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंगल कितना डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है? जबकि सेकेंड फेज का सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना होगा इसके लिए? 0 डिग्री। ओके, इसका 180 डिग्री, इसका हुआ 0 डिग्री। जबकि ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, ये पक्का परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लिए थीटा कितना होने वाला है? 90। अब मैंने सबसे पहले फर्स्ट वाले फेस को देखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस, फॉर्मूला लगाया EA cos 180। फॉर्मूला ये होता ना, डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि तो कॉस आ जाएगा और कॉस कितना? 180। 180 की वैल्यू -1 -EA हो गया, ठीक है? अब E की जगह मैंने पुट किया 50 × देखिए जहाँ X था, X की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ये देखने वाली है कि मैंने X की जगह 1 ही क्यों पुट किया। तो भैया बहुत सिंपल बात है, ये जो लेफ्ट वाली साइड है इसका ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 1 मीटर के डिस्टेंस पे ना, इसलिए X की वैल्यू कितनी है यहाँ? 1 मीटर। कि ओरिजिन से आपका डिस्टेंस कितना है, X एक्सिस पे आपकी वैल्यू कितनी है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलो अभी आगे ये दोबारा से क्लियर होगा आपका। ए क्या है आपका? एरिया। अभी के लिए मैं उसे नहीं लिख रहा, ठीक है, तो अभी मैं -50 A लिख के ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। चलो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट सरफेस। अब देखो यहाँ पे सीधा मैं राइट सरफेस पे गया, फिर मैंने कर्व सरफेस वाला पार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में कॉस 90 आ जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इसको इग्नोर करो। चलो फेस नंबर 2 पे, राइट सरफेस पे दोबारा से वही फॉर्मूला, EA cos 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में 50
और x की जगह यहाँ पे मैंने 2 मीटर रखा, क्यों? क्योंकि राइट सरफेस का डिस्टेंस टोटल कितना है, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, टोटल कितना मीटर हो गया, 2 मीटर। ठीक है, तो ये x इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपके उस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। 52 या 100, तो 108 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट और राइट को प्लस कर दूंगा, तो माइनस 50 है प्लस 100 है, तो टोटल कितना आ गया, 50 है। अब मैं अपनी ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसलिए देखो मैंने वहाँ पुट नहीं की थी ताकि न्यूमेरिकल ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। फाइनली जाके मैंने अपनी वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, और मेरा आंसर क्या आया, 125 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, वैल्यूज जितना हो सके लास्ट में ही सब्सिट्यूट करना अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद अब निकालना है टोटल चार्ज, तो इसका फॉर्मूला तो बहुत आसान है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस लॉ से हमें क्या फॉर्मूला मिला था, क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को उस साइड मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो क्यू इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने अभी अभी ये कैलकुलेट की है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर ये आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12 कूलम। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो अपना आंसर। ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो अभी साथ साथ नहीं लगते। ठीक है, ताकि लेकिन बाद में इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, बिकॉज जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होने वाले। इट वॉज जस्ट अमित कि आप देख के सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। भाई प्लीज़ एक बार ज़रूर लिखिएगा क्वेश्चन अपने आप से कॉपी में। ठीक है, बिकॉज जब टीचर करा रहा होता है या कोई भी बच्चा आपको करा रहा होता है तो वो चीज़ आसान लगती है, बट जब आप खुद करने बैठते हैं तब पता चलता है कि वो कितना डिफिकल्ट था क्वेश्चन। ओके ओके, इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर से लिया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं, चलिए देखते हैं कैसे। इजी क्वेश्चन है बट सिली मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में समटाइम्स बच्चों से। मैं वही चीज़ बस यहाँ पे कर बताने के लिए इस क्वेश्चन को रखा। टोटल एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हैं, मुझे बोला गया है इसमें दो चार्ज प्लेस किए गए हैं क्यू ए और क्यू बी। देखिए अब जरा दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, मतलब उसने बोला दो चार्ज है लेकिन एक्चुअली में वो आपको एक डाइपोल दे रहा है। मैंने आपको शायद डाइपोल की वीडियो में मेंशन किया था कि क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं कि वो आपको बार बार लिख के दे दे कि बेटा आपको डाइपोल प्रोवाइड किया गया। ठीक है, समटाइम्स आपको खुद उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, जिसमें से क्यू ए चार्ज ए पॉइंट पे है जिसका एक्स एक्सिस जीरो है, वाई एक्सिस जीरो है और जेड एक्सिस माइनस 15 है। सेम आपका बी चार्ज 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, ज़रा इसे प्लॉट कर देते हैं। अब देखो क्योंकि z एक्सिस पे था इसलिए मैंने उसको x और z प्लेन ऐसे बनाया, x और y प्लेन का कोई काम नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, मैंने उनको उन्हीं के हिसाब से प्लॉट किया है। क्यू ए 0 0 माइनस 15, क्यू बी 0 0 प्लस 15 जहाँ पे b प्लॉट है। ओके, चलिए आपको बोला गया है क्या निकालना है, टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके, करना शुरू करें। तो भैया देखो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी कि एक डायपोल है। ठीक है, आप लोगों को पता करना पड़ता है, तो आप करना क्या है, डायपोल मूवमेंट आपको नहीं पता ना, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस। ओके, या फिर इसे आप क्यू इंटू टू ए भी पढ़ते हो, और बस इसी की वजह से सिली मिस्टेक हो जाती है। क्या सिली मिस्टेक होती है समझिए, पहला जब जिन बच्चों को चार्ज इंटू डिस्टेंस याद होता है वो सोचते हैं जल्दी जल्दी में चार्ज को तो लग देते हैं सही, डिस्टेंस वो सोचते हैं 15 15 दे रखा है तो डिस्टेंस 15 है, वो यहाँ पे डिस्टेंस 15 पुट कर देते हैं। ओके, समझ आ गया सब लोगों को। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को ये तो पता होता है कि हाँ भैया इनके बीच का टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, 15 क्यों होगा, 15 ये 30। लेकिन वो बच्चे क्या सिली मिस्टेक कर देते हैं, उनके दिमाग में फॉर्मूला रहता है क्यू इंटू टू ए, तो चार्ज को तो पुट करते ही है 2a। ठीक है, a की जगह 30 पुट करते हैं और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके 60 कर देते हैं। नॉर्मली ये गलती बहुत रेयर होती है बट कर देते हैं बच्चे फिर भी। ठीक है, उन्हें टॉपिक आता है बट फिर भी हो जाती है मिस्टेक, दैट्स व्हाई मैंने इन्हें एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया सो दैट आप ये मिस्टेक अपने फ्यूचर में ना करें। चार्ज की वैल्यू लिख दी मैंने 30 सेंटीमीटर को 30 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 2 लिख सकता हूँ मीटर में। इन्हें ओवरऑल आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 कूलम मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला जो पार्ट था इसमें टोटल चार्ज, तो यार ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप एक बार रिकॉग्नाइज कर चुके हो कि वो डाइपोल है तो डाइपोल पे नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है, ये मैंने इसकी वीडियो में भी बताया था आप लोगों को।
इक्वल और अपोजिट चार्ज है, कैंसिल आउट करेगा, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, द चार्ज ऑफ अ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। डायग्राम्स प्लीज़ बहुत अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी टफ क्वेश्चन। आप लोगों को इसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है, बहुत रेयर कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ये आप करते नहीं हो अपने जनरल क्विज इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, शुरू करें। तो भैया क्वेश्चन आपका 2015 में आया था, और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो सबसे पहले आप लोगों को चार्ज रिंग वाली डेरिवेशन करनी पड़ेगी। चार्ज रिंग वाली डेरिवेशन मैंने करा रखी है अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से किया गया था उसे। ठीक है, वहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला था, E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ पे ये ए क्या था, ए हमारा जो था, ओके, यहाँ पे अभी मैं ए को यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, जो ए था वो हमारा रेडियस हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर है भाई, इस वाले आर से अभी यहाँ कन्फ्यूज मत करिएगा, मैं वहाँ जाके इसे अभी सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, डेरिवेशन के समय ए आपका रेडियस होता था, ठीक है, और आर आपका वो डिस्टेंस होता था जहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है। देखिएगा, अभी पुट करते समय मैं बिल्कुल वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा। फॉर्मूला आप लोगों के पास है, अब ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर दो चार्ज रिंग दे रखी हैं आपको, और बोला गया है कि एक के ऊपर माइनस प्लस लैम्डा है, दूसरे पे माइनस लैम्डा है, इनकी चार्ज डेंसिटी, जहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक होता है वहाँ चार्ज डेंसिटी मेंशन की जाती है। आपको बोला गया है कि आपका जो लूप नंबर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप वन, ठीक है, जो लूप नंबर वन है आपका, देखिए यहाँ मैंने नंबर डाला है, लूप नंबर वन के सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के केवल दो तरीके हैं, एक इसकी खुद के रिंग रिस्पॉन्सिबल होगी, दूसरी ये वाली रिंग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, ई वन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, एंड ई टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग। चलिए शुरू करें, तो सबसे पहले ई वन की बात करते हैं। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ वन ड्यू टू द लूप वन, मतलब अपनी खुद की रिंग की वजह से। तो भैया ज़रा इस फॉर्मूले को देखें और यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आर क्या पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ना, और ये तो खुद ही सेंटर है, अपनी ही रिंग का सेंटर है, इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। और आर की वैल्यू जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। समझ आ गया, मतलब एक रिंग अपने सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखता है, जीरो। तो ईवन की वैल्यू तो जीरो हो गई, मतलब अब जो भी होगा वो सब किसकी वजह से होगा, इस रिंग की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ वन ड्यू टू लूप टू, अब इस लूप की बात हो रही है। अब ज़रा फॉर्मूला देखते जाइएगा, वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ वो देखते जाइएगा। 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू, क्यू चार्ज होता है, चार्ज का फॉर्मूला अगर एक लीनियर है तो कैसे लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू में लेंथ, और एक चार्ज रिंग की लेंथ कितनी होगा उसका सरकमफेरेंस, जो कि 2πr है, मतलब लैम्डा इंटू में 2πr लिख दिया मैंने क्यू की वैल्यू। आर, अब इस आर को सब्सटीट्यूट करो, तो आर भाई देख लो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, किस सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है ओ वन पॉइंट का, ओ टू से ओ वन के बीच का डिस्टेंस कितना है, गिवन है आर रूट थ्री, कितना है आर रूट थ्री। चलिए नीचे सब्सटीट्यूट करें, आर का स्क्वायर, तो भैया आर की जगह दोबारा से क्या लिख दूंगा, आर रूट थ्री। और फिर ए, ए क्या है, रेडियस, रिंग का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ओके, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट हुई, अब बस इसे सॉल्व करना है आप लोगों को। सॉल्व करते समय देखिए क्या होगा, सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल टू। ऊपर क्या बचा, लैम्डा आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया रूट थ्री, नीचे टू एफ साइलेंट नॉट थ्री, अब देखो अंडर रूट का, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आर स्क्वायर, तो थ्री आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद इधर चलिए, 1/2 एफ साइलेंट नॉट लैम्डा आर स्क्वायर रूट थ्री, नीचे थ्री आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर हो गया 3/2। ठीक है, फोर आर स्क्वायर किसका होता है, टू आर का होल स्क्वायर, टू आर का होल स्क्वायर, इस टू से ये टू का था तो बचा क्या, टू आर का क्यूब, और टू आर का क्यूब क्या होता है, 8r³। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं, आप लोग भी इसे दोबारा से रिवाइंड करके चेक कर सकते हो अगर ना पता चले कि कैसे नेक्स्ट स्टेप पे गया मैं। ठीक है, 8r³ आया,
अब यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? हाँ जी, आर क्यूब आर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, नीचे केवल सिंगल आर बचेगा। आपकी वैल्यू निकली अंडर रूट 3 ओवर में 16 लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। पता चल गया ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? यही आपकी ई टू भी है, यही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्योंकि ई वन तो पहले ही जीरो हो चुका है। समझ आ गया सभी लोगों को? क्वेश्चन अच्छा था, आई होप आप लोगों ने ध्यान से किया हो, ठीक है। और अगर ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अगर एग्जाम का पेपर बहुत टफ बनता है, ठीक है, या हाईली कंसेप्चुअल होता है, तब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में से। अदरवाइज मेनली इसकी डेरिवेशन पेपर में पूछी जाती है, चार्ज रिंग की ज़्यादा, ठीक है। तो जिसको भी इसकी डेरिवेशन ना याद हो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट टाइम देंगे तो ज़रूर याद होगी, और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे और फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5। अब भाई ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान है, 2009 में पूछा गया था। समटाइम्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बनाने में बच्चे दिक्कत कर देते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। सेकेंड थिंग जो है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो बच्चे पढ़ने के बाद नहीं समझ पाते कि एक्चुअली वो करवाना क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे, ठीक है। तो बोला गया दो मेटल प्लेट है। अब मेटल प्लेट है तो कंडक्टिंग होगी, ये बात पक्का है ना, इसका भी यूज़ है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मेटल बोलने का कुछ मतलब है, ठीक है। प्लेस बिटवीन टू यू इक्वल एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू देम, ठीक है। मतलब सिंपली बोला गया है दो मेटल की प्लेटें हैं जो दो अनलाइक चार्जेस के बीच में प्लेस है, मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, उनके बीच का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल है भाई, ठीक है। ये देखो लाइन जॉइनिंग टू देम। अब बोला गया है अगर आप प्लेट्स को खाली छोड़ दो तो क्या होगा, और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा बनेगा? तो भैया पैटर्न बहुत सिंपल है, इस चार्ज से सारी के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल निकलेंगी। अब क्योंकि इधर प्लस चार्ज है और ये प्लेट कंडक्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा पूरे में इस साइड, और प्लस वाला चार्ज पीछे की साइड रिपल्शन की वजह से। सेम दिस साइड, ये माइनस है तो इधर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? प्लस चार्ज, और अपोजिट चार्ज कौन सा होगा? माइनस, ठीक है। नॉर्मली आप इनके बीच में भी देख सकते हो, प्लस से माइनस जाएगी, क्योंकि इधर प्लस इंड्यूस हुआ है उधर माइनस इंड्यूस हुआ है इस साइड, ठीक है। बट ये शो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी हमने इन दोनों चार्ज की बात की है। तो अगर आपने सिर्फ इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो की है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। समझ आ गया? अगर ये मेटल प्लेट ना होती तो क्या ये इंडक्शन होता चार्ज का? नहीं होता, क्योंकि फिर चार्ज मूव नहीं करता। समझ आ गया सभी लोगों को? ओके, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन तो कर लिया। अब बोला गया है प्लेट में क्या मूवमेंट होती, तो भाई बहुत सिंपल है, प्लेट कैसी चार्ज हो गई इधर से, माइनस चार्ज हो गया उस पर, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी? प्लस की तरफ, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैंने बताया था कि क्यों प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह काम करता है जो उसे अपनी तरफ खींचता है। मतलब ये समझ लो बहुत सारे तार हैं जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जाके ज़रूर देखिएगा उस पॉइंट को, ठीक है, कि क्यों प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और प्लस प्लस या माइनस माइनस रिपेल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। प्लेट टू, ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये माइनस था प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इस माइनस की वजह से प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये इस प्लस की वजह से माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। और ये सब हुआ किस वजह से? ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पी वन एंड पी टू। चलिए, आप लोगों को आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बिफोर दैट आई होप आपने 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें। थैंक यू।